45,000 में दो लैपटॉप ऐसे हैं ना जिन्हें खरीदना एक बहुत ही अच्छा डिसीजन हो सकता है, लेकिन इनमें कन्फ्यूजन भी उतना ही ज़्यादा है। उसी कन्फ्यूजन को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। हेलो गाइज, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्सोनिकल। अब शुरू करते हैं। पिक्स पे चर्चा का ये एक नया एपिसोड है और इस वीडियो में मैं बात करूंगा लिनोवो आइडिया पैड स्लिम 1, जो कि एक लेटेस्ट लॉन्च मॉडल है राइजन 7000 सीरीज के प्रोसेसर के साथ और एचपी का बहुत ही फेमस लैपटॉप FQ5007TU। ये दोनों ही लैपटॉप ऑलमोस्ट 44,000 के बजट में आते हैं आज की डेट में जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और इन दोनों ही लैपटॉप का रीसेंट प्राइस अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप वो चेक कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों ही लैपटॉप के प्रोसेसर्स की, जो कि एक बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है अगर आपको लैपटॉप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड खरीदना है और वो भी इतने कम बजट में। लिनोवो आइडिया पैड स्लिम 1, इसका मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। लिनोवो के इस लैपटॉप में प्रोसेसर लगा हुआ है एएमडी का राइजन 3, लेकिन वो 7000 सीरीज का प्रोसेसर है 7320U। इस प्रोसेसर की खास बात, ये सबसे बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट हो जाएगा क्योंकि ये प्रोसेसर 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही अच्छी बैटरी लाइफ आपको ये प्रोवाइड कर सकता है, कोई भी बैटरी आपके लैपटॉप में लगी है उस केस में। उसके ही साथ इसकी जो बेस फ्रीक्वेंसी है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 4.1 गीगाहर्ट्ज़ की। 4 कोर्स इसमें लगे हुए हैं, 8 थ्रेड्स लगे हुए हैं, 2 MB की L2 कैश और 4 MB की L3 कैश, मतलब कि कैश मेमोरी भी आपको इस प्रोसेसर में ज़्यादा मिल रही है। ये अभी न्यूली लॉन्च प्रोसेसर है बाय AMD 7000 सीरीज के और इस लैपटॉप में लिनोवो के ना सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर लगा हुआ है आज के डेट में। लिनोवो आइडिया पैड स्लिम 1 के ही और भी वेरियंट हो सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है ना प्रोसेसर के साथ में बहुत ही काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा आपको इस बजट सेगमेंट में। वहीं पर बात करें अगर HP की, तो उसमें इंटेल कोर i3-1215U वाला प्रोसेसर लगा है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4.4 गीगाहर्ट्ज़ की होती है और साथ में इसमें 10 MB की L3 शेयर्ड कैश मेमोरी होती है। इसमें 6 कोर लगे हुए हैं जिसमें 4 कोर एफिशिएंसी वाले, 2 कोर पावर वाले और 8 थ्रेड्स आपको इसमें मिलता है। अगर सिर्फ प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर मैं क्लियरली विनर बोल सकता हूँ कि लिनोवो वाला है, वो सबसे अच्छा प्रोसेसर है सिर्फ 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे, जबकि HP में जो प्रोसेसर लगा है ना 12 जनरेशन का, ये 10 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे आते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपको लिनोवो में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस और साथ में बैटरी लाइफ दोनों मिल सकती है। प्रोसेसर वगैरह के बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए ना, तो आप जाकर मेरा पुराना वीडियो वगैरह चेक कर सकते हो, उस पर मैंने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ों को समझा कर रखा है। और उसके साथ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जिससे आप इन दोनों ही प्रोसेसर को कंपैरिजन कर सकते हो साइड बाय साइड, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ इस तरह से। अब बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी के मामले में ना मतलब लिनोवो भी यहाँ पे काफ़ी आगे निकल जाता है HP से। मैं बताता हूँ क्यों। लिनोवो में जो रैम लगी हुई है ना, वो लगी है LPDDR5 वाली जिसमें 5500 MHz तक का सपोर्ट है, मतलब कि आपको बहुत ही ज़्यादा फास्ट मेमोरी यहाँ पर मिल रही है। 8 GB की मेमोरी मिल जाती है इसमें, लेकिन ये एक तरह से सिर्फ लिमिटेड मेमोरी है, आप इसे एक्सपेंड नहीं कर सकते हो लिनोवो आइडिया पैड स्लिम 1 में, वो बात आप ध्यान में रखना। और वहीं पर बात करें अगर हम HP की, HP में जो रैम लगी हुई है वो बेसिक सी DDR4 रैम है, 16 GB तक आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 8 GB रैम के साथ में ये आता है। 3200 MHz की रैम यहाँ पर सपोर्टेड है, लेकिन यहाँ पर 2 स्लॉट भी दिए गए हैं, तो आप एक एडिशनल रैम लगा सकते हो 8 GB की। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि क्या अगर हम 16 GB रैम लगा दें HP वाला तो क्या वो लिनोवो से बेटर हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि रैम का जो फास्ट होना है वो काफ़ी डिपेंडेंट हो जाता है। जितनी ज़्यादा फास्ट रैम होगी ना, उतना ज़्यादा उसकी मेमोरी अगर श्रिंक होती जा रही है तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो HP में इवन रैम को एक्सपेंड करने की बात भी जो परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है, लिनोवो में आपको ऑलमोस्ट सेम टू सेम परफॉर्मेंस मिल जाएगी सिर्फ 8 GB रैम पे, क्योंकि उसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू, मतलब कहाँ 3200 MHz, कहाँ 5500 MHz, वो भी LPDDR5। बात करें अगर स्टोरेज की, तो दोनों ही लैपटॉप में 512 GB की आपको इंटरनल SSD मिल जाती है और वो SSD NVMe वाली टाइप की है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर कंप्लेंट करने वाली बात नहीं है। ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट से स्टोरेज ऑप्शंस हैं दोनों में ही। डिस्प्ले के मामले में देखा जाए तो डिस्प्ले जो लिनोवो में लगा हुआ है ना वो है TN डिस्प्ले। ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग सी बात हो गई। TN डिस्प्ले के लैपटॉप को अक्सर अवॉइड करने के लिए मैं बोलता हूँ, तो वीडियो अंत तक देखना, मैं आपको एक और क्लैरिटी प्रोवाइड कर दूंगा कि किस केस में आपको इसे चूज़ करना चाहिए।
सबसे पहली चीज कि डिस्प्ले जो लियो में लगा है ना वो है 45% NTSC के साथ में, वही सेम टू सेम कलर गैमट प्रोवाइड किया गया है जो जनरली सारे लैपटॉप में होता है। 15 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन है और साथ में ब्राइटनेस जो है ना सिर्फ 220 निट्स की ही ब्राइटनेस है, तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट भी नहीं है। एंटी ग्लेयर वाला कोटिंग वगैरह प्रोवाइड किया गया है, दैट इज फाइन। लेकिन अगर वही बात करें हम HP की, HP FQ5007TU एकमात्र ऐसा लैपटॉप है जो 45,000 में आपको IPS डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, वो भी 15 इंच की स्क्रीन में, 250 निट्स की ब्राइटनेस है और उसके ही साथ कलर गेमेट जो है ना 45% NTSC का है। नो डाउट कि HP का डिस्प्ले फार फार बेटर है लिनोवो के कंपैरिजन में। लेकिन क्या सिर्फ डिस्प्ले ही एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है एक लैपटॉप को खरीदने का? बिल्कुल हो सकता है। मैं बहुत ही अपने सारे वीडियोस में इंफेसिस करता हूँ इस बात पे कि आप कोई घटिया वाले डिस्प्ले TN टाइप के नहीं लेने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा सिनेरियो बदल सकता है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पोर्ट्स की। लिनोवो में आपको काफी इंटरेस्टिंग से नंबर ऑफ पोर्ट्स भी मिलते हैं। आपको एक USB पोर्ट मिलता है राइट साइड में और उसके ही साथ एक SD कार्ड स्लॉट मिलता है जो कि फुल फ्लेश्ड SD कार्ड स्लॉट है, तो काफी अच्छी बात है। और लेफ्ट साइड में आपको एक और USB पोर्ट मिलता है, HDMI कनेक्टर, एक टाइप सी पोर्ट और हेडफोन जैक, ये सारा कुछ मिल जाता है। और इसमें जो टाइप सी पोर्ट लगा है उसमें कोई भी ऐसा थंडरबोल्ट का क्लेम वगैरह नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक जनरल सा USB 3.2 वाला एक पोर्ट है डेटा ट्रांसफर के लिए, नो पावर डिलीवरी ऑप्शन थ्रू टाइप सी पोर्ट। वहीं अगर HP की बात करें तो उसमें राइट साइड में आपको एक HDMI पोर्ट मिलता है, टाइप सी पोर्ट मिलता है, एक SD कार्ड स्लॉट और एक हेडफोन जैक, और उसके साथ लेफ्ट साइड में आपको दो USB टाइप ए वाले पोर्ट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोर्ट्स में दोनों ही लैपटॉप ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, दोनों में ही आपको दो USB पोर्ट मिल जा रहे हैं, टाइप सी पोर्ट मिल रहा है सिर्फ डेटा ट्रांसफर के लिए और SD कार्ड स्लॉट भी मिल रहा है, HDMI पोर्ट भी मिल रहा है, तो एग्जैक्टली सेम टू सेम नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं, बस पोजिशनिंग अलग अलग है। और अब बात करें अगर वेबकैम की, तो दोनों ही लैपटॉप में आपको 720 पिक्सल वाले वेबकैम मिलते हैं, बहुत ही हाईफाई से नहीं है, जनरली विंडोज के लैपटॉप में इतना ही मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बैटरी की बात करते हैं। बैटरी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है, यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी के मामले में लिनोवो थोड़ा सा आगे, 43 वाट आवर की बैटरी लगी है और HP में 41 वाट आवर की बैटरी लगी है। अगर दोनों ही लैपटॉप में प्रोसेसर सेम होते और सारा कुछ सेम होता तो आपको एग्जैक्टली सेम बैटरी लाइफ यहाँ पर मिल जाती, लेकिन यहाँ पर लिनोवो में क्योंकि हमें याद रखना होगा 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी वाला प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है, उसके हिसाब DDR5 रैम लगी हुई है, LPDDR5। अब इसकी वजह से क्या होगा ना कि आपको बेटर बैटरी लाइफ मिल जाएगी लिनोवो में उसी एग्जैक्टली 43 वाट आवर की बैटरी से, जबकि HP के 41 वाट आवर की बैटरी आपको कम बैटरी लाइफ प्रोवाइड करेगी। वहाँ पर 10 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर का प्रोसेसर है प्लस रैम भी स्लो है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले भी दोनों का एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम साइज का है, सिर्फ IPS डिस्प्ले है HP में तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा थोड़ा, लेकिन आपको बैटरी लाइफ डिस्प्ले की वजह से कुछ खास इम्पैक्ट वहाँ पर नहीं मिलेगा। जो भी इम्पैक्ट बैटरी लाइफ पे होगा वो आपकी प्रोसेसिंग पे होगा और प्रोसेसिंग में डेफिनेटली लिनोवो इज ग्रेट। इन प्रैक्टिकल लिनोवो में आपको 4-5 घंटे तक की बैटरी लाइफ इजीली मिल जाएगी, जहाँ तक कि कंपनी का क्लेम है 8-9 घंटे तक की बैटरी क्लेम की गई, लेकिन आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आपको 5 घंटे तक का बैटरी लाइफ मिलेगा, जबकि HP में आपको 3-4 घंटे तक का ही बैटरी लाइफ प्रैक्टिकली मिलने वाला है। लिनोवो की एक इंटरेस्टिंग बात है बैटरी लाइफ के बारे में कि 15 मिनट में 2 घंटे तक की बैटरी लाइफ, ऐसा कुछ क्लेम है कंपनी का। मैं ऐसा नहीं कहता, लिनोवो का लैपटॉप खुद मेरे पास में है और मुझे पता है कि इनकी जो रैपिड टच चार्ज टेक्नोलॉजी है ना वो काफ़ी इफिशियंट होती है और लैपटॉप की चार्जिंग बहुत ही जल्दी होती है। अगर मान लो लिनोवो में आपकी बैटरी ड्रॉप हो भी गई तो चार्जर लगा के आप तुरंत उसे फिर से चार्ज कर सकते हो और वो भी काफ़ी रैपिड चार्ज कर सकते हो। HP वाले लैपटॉप में भी फास्ट चार्जिंग वाला आपको अडैप्टर मिलता है, लेकिन हाँ ऐसा लिनोवो के कंपैरिजन वो थोड़ा स्लो है। और अब एक बात कर लेते हैं यहाँ पर वायरलेस एरिया नेटवर्क की, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लिनोवो में आपको वाईफाई 6E की टेक्नोलॉजी मिलती है AX स्टैंडर्ड वाली, मतलब आपको बहुत ही अच्छी स्पीड मिलेगी अगर आपके पास एक अच्छा सा राउटर है गीगाबिट वाला, लेकिन HP में आपको सिर्फ वाईफाई का 5 वाला ही वर्जन मिलता है, 802.11ac स्टैंडर्ड का मैक्सिमम, वहाँ AX स्टैंडर्ड सपोर्टेड नहीं है, तो HP में आपको कम स्पीड मिलेगी वायरलेस एरिया नेटवर्क वाले कंडीशन में। तो कुल मिला के ये कहने का है कि मतलब HP में आपको काफ़ी स्पीड ड्रॉप मिलेगा इंटरनेट में अगर आप सेम राउटर पे दोनों लैपटॉप को अलग अलग कनेक्ट कर देते हो तो। और अगर बात करें ब्लूटूथ वर्जन की तो वहाँ पर भी लिनोवो थोड़ा आगे ही है HP से। HP में आपको सिर्फ ब्लूटूथ 5.0 वाला वर्जन मिलता है जबकि लिनोवो में 5.1 मिलता है, तो बहुत ही हार्डली गैप नहीं है कुछ यहाँ पर, तो दैट इज़ ओके। और अब बात करें कुछ एडिशनल फीचर की, जैसे कि आपको HP में ना बैकलिट कीबोर्ड भी मिलता है, ये एक एडिशनल एडवांटेज हो जाएगा HP अगर आप खरीदते हो।
बस लिनोवो में जो है ना नॉर्मल सा कीपैड है, दोनों में ही फुल साइज़ न्यूमेरिक कीपैड है ऑफकोर्स, क्योंकि दोनों ही 15 इंच के लैपटॉप है, तो इसलिए मैंने बहुत ही क्लोजली दो लैपटॉप को कंपैरिजन करने की इस वीडियो में कोशिश की है। अब यहाँ पर बात आती है कि आपको इन दोनों में ख़रीदना कौन सा चाहिए। प्राइस दोनों का ही ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, और अगर सेल वगैरह हुआ तो हो सकता है ये लैपटॉप आपको अंडर 40,000 में मिल सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हो। अगर आप 6-7 महीने बाद देख रहे हो सकता है ये अंडर 40,000 का लैपटॉप बन जाए दोनों का दोना। इस केस में आपको जो लैपटॉप चूज़ करना चाहिए, अगर आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप चाहिए, तो मैं कहूँगा हार्डली कि आप लिनोवो पे ही जाओ। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लंबी चौड़ी सी एक्सेल शीट टाइप की हैंडल करनी होती है जिसमें बहुत सारा डेटा है, ऐसा कुछ आपका यूज़ केस है, या फिर ट्रेडिंग वगैरह आप करते हो ना, तो लिनोवो का ये वाला लैपटॉप ख़रीदना बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बेहतरीन मिलेगी, बैटरी लाइफ भी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी कुछ डिज़ाइनिंग वर्क का हो जिसमें आपको डिस्प्ले अच्छा चाहिए, तब आपको HP ख़रीदना चाहिए। इनकेस अगर आपको कोडिंग वगैरह भी करनी हो तो आप लिनोवो को कंसिडर कर सकते हो। TN डिस्प्ले पे आपको एनीवेज कोडिंग करते वक्त आप ज़्यादातर डार्क मोड इस्तेमाल करने वाले हो, मैं ये नहीं कहता बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ऐसा IPS डिस्प्ले का मैंडेटरी नहीं है कि आपको बहुत ही अच्छा कलर एक्यूरेसी चाहिए। लेकिन इनकेस अगर आपको फोटो एडिटिंग वगैरह करनी है, कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का थोड़ा मोड़ा वर्क करना है ना, तो फिर आपको HP वाला ही लैपटॉप कंसिडर करना चाहिए। नो डाउट HP एक बहुत ही बेहतरीन सा लैपटॉप है, FQ5007TU। ये काफ़ी अच्छा लैपटॉप रहा है, ऑलमोस्ट 6-7 महीने पहले से ये लॉन्च हुआ है। और एक बात मैं आपको और हाईलाइट करके बता देना चाहता हूँ कि ये एकमात्र ऐसा लैपटॉप है जो 15 इंच के स्क्रीन साइज़ में आपको इतने सस्ते में IPS डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है, वो भी एक ब्रांड रिलायबिलिटी फैक्टर के साथ में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी इन दोनों में कौन सा आपको डिसाइड करना चाहिए। मैं कुछ और भी वैसे ही वीडियोस लेके आते रहूँगा, स्पेक्स पे चर्चा के कुछ और भी एपिसोड्स आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब वगैरह जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बेसिक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।